हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं अपना हेडफोन की। तो फटाफट से हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी में फ्लिपकार्ट जो है वो पहले से ही बॉक्स खोल देता है और चेक करवाता है कि आपका कोई डैमेज तो नहीं है। तो आज हम इसमें अनबॉक्सिंग करेंगे। आज जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है नेकबैंड है। अभी हाल ही में मैंने रियलमी का नेकबैंड का किया था और आपको बताया था कि कैसा है। और अभी आज ये देखते हैं, आज ये वन प्लस का नेकबैंड है और कैसा है। तो फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो करना गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो खोल लिया हुआ है ऑलरेडी। आपने शॉट देखा भी होगा जिसमें कोरियर बॉय अपने आप ये खोल कर चेक करवाता है। तो गाइस ये है हमारा वन प्लस। तो आज हमारे पास नेकबैंड जो है वो है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ANC नॉइज कैंसलेशन का है ये। और देख लेते हैं गाइज, इसमें पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। तो ये फ्रंट लुक है इसकी बॉक्स में और साइड पे कुछ नहीं दिया हुआ। और ये यहां पर ये लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है वन प्लस, डिटेल लिखी हुई है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ANC। प्रोडक्ट का मॉडल लिखा हुआ है, ये ग्रैंड ग्रीन करके कलर है इसका, चाइना का है और जुलाई 2023 का मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है। और ये हाल ही में अभी लॉन्च हुआ था और हमने इसे पहली सेल में ही ले लिया है। और मैक्सिमम देखिए 2500 रुपये प्राइस है इसका और प्राइस ये हमें पड़ा है 2200 रुपये का, 2200 का। और इसमें और लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है, नेट क्वांटिटी क्या है इसमें, चार्ज केबल है इसमें। रियलमी वाले में चार्ज केबल नहीं थी तो इसमें चार्ज केबल है, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें। तो चलो गाइस फटाफट से इस बॉक्स को खोलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सील देखो, पहले ही कोरियर वाले ने खोल दी है। तो बॉक्स ही ऐसे खुलता है और वो सिर्फ हमें डैमेज चेक कराता है और बॉक्स में से ये ऐसे निकला है। तो इसको हम ऐसे ये टिप में से ऐसे खींच लेंगे ऊपर और इसको निकाल लेंगे। तो गाइस ये ग्रीन कलर में है और इसको हम फटाफट से इसमें से निकाल लेते हैं और इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। बॉक्स तो खाली है भाई, नहीं छोटे से इसका पैकेट है, यहाँ खुलेगा कैसे, इसको ऐसे साइड में करके निकालना पड़ेगा। इसको साइड पे रखते हैं। तो गाइस ये रेड केबल क्लब, स्कैन टू क्लेम योर वेलकम बेनिफिट्स, ये कार्ड है इसके साथ। ये गाइस इसकी बुकलेट है जो कोई नहीं पढ़ता, पढ़ के देखें इसमें है क्या क्या लिखा होता है इसमें। कंफर्टेबल टू वियर, मैग्नेटिक टाइप, पावर ऑन ऑफ, ओके उसके बारे में लिखा है, रिपेयरिंग बटन वगैरह के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। और इसमें छोटी सी रेड कलर की क्यूट सी टाइप ए से टाइप सी की केबल है, बहुत ही छोटी लग रही है यार। तो इतनी सी है गाइस, देखो छोटी सी है। इसको भी हम साइड पर रखते हैं और ये इसके एयर टिप्स हैं, तो इसको हम साइड पर रखते हैं। अब थोड़ा सा हेडफोन पे नज़र मारते हैं गाइस। तो गाइस ये देखिए इसमें वन प्लस की बैजिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये दूसरी साइड में इसका, इसके अभी फीचर भी बताऊंगा क्या क्या है इसमें। ये एक इसका क्विक स्विच के लिए बटन है और ये प्लस माइनस और ये बीच का जो फंक्शन का बटन है। तो गाइस इसके अब फंक्शन बताते हैं हम, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो गाइस ये कॉलिंग के लिए सबसे बेहतर रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें कि इनके फीचर्स देखते हैं हम गाइस। तो फीचर सबसे पहले ये है, इसमें 12.4 mm की डायनामिक ड्राइवर है। और नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है गाइस, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, पहले हमारे पास बॉक्स में इसके फीचर्स देते थे, अब बॉक्स में इसमें ऐसा कोई फीचर्स नहीं लिखे हुए हैं। पहले बॉक्स में फीचर्स आते थे गाइस, असली है नकली है देखकर बताओ यार, आप कमेंट करो कि असली है कहीं डुप्लीकेट है कि क्या है। बट हाल ही में लॉन्च हुए हैं तो डुप्लीकेसी का इतना बनता नहीं है, बट क्या मालूम आजकल डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आते हैं। तो गाइज इसमें पहला फीचर था कि 12.4 mm डायनामिक ड्राइवर हैं
जो आपको एक अच्छी साउंड देंगे हाई बॉस के साथ। और ये 28 आवर की इसकी बैटरी है, अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 20 आवर्स तक चलेगा। और इसमें 45 डीबी हाइब्रिड नॉइज कैंसलेशन है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कॉलिंग के लिए गाइज इसमें 3 माइक दिए हैं। तो गाइज अपन ढूंढते हैं, देखो माइक कहाँ कहाँ है इसके। तो एक माइक तो देखो आपका यह नेक बैंड में, आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ, थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए आपको छेद दिख रहा होगा इसमें। और दोनों आपके जो ईयरबड्स हैं इस पे आपके माइक लगे हैं, देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 3 माइक हैं गाइज इसमें। तो 3 माइक हैं इसमें क्लियर वॉइस के लिए। और अपन जो इसके बटन है, अगर आपको जो नॉइज कैंसलेशन करना है तो ये सेंटर वाला बटन आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब आपको वो कैंसलेशन वाला जो फील होगा। ये बीच का जो बटन आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेंटर में बटन है, और ये ऊपर वाला जो है ये दबा के रखोगे थोड़ी देर तो ये स्विच एक से दूसरे डिवाइस में क्विक स्विच कर जाएगा। चार्जिंग पॉइंट टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। और IP55 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस के साथ आता है ये हेडफोन। तो गाइज वही जैसे वन प्लस के ऑलरेडी हैं, नेक बैंड सॉफ्ट रबड़ है और प्लास्टिक है, और वायर ठीक है, ठीक क्वालिटी है, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। और गाइज ये ब्लूटूथ 5.2 इसका वर्जन है, ब्लूटूथ और मैग्नेटिक ऑन ऑफ है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए ऑन हो गया, इसकी लाइट जलनी शुरू। तो गाइस ये देखिए जैसे ही हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो मेरी ये देखो दूसरे फोन में कनेक्ट का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक। तो अब इसको यहां से हम कनेक्ट कर देंगे और ये डिवाइस कनेक्ट हो गया है। तो गाइस अब मैं थोड़े गाने गुने सुन के आता हूं और आपको बताता हूं ये कैसा है और चलने में कैसा है। तो इसकी देख लीजिए 10 मीटर रेंज है, 1 ईयर की 1 साल की वारंटी है, फिजिकल डैमेज नॉट कवर्ड है वारंटी में, क्योंकि फिजिकल डैमेज आपको चेक करवा दिया था फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाले ने, तो फिजिकल डैमेज का आप कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो आपको उसका रिप्लेस मिल जाएगा गारंटी के अंदर, वारंटी के अंदर। तो ये सारा कुछ अब आपको थोड़ी देर में बताते हैं इसका कि क्या फीडबैक है। एक दो गाने सुन के आता हूँ मैं मस्त से, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स अपन ने इसकी टेस्टिंग कर ली और अपन ने इसको पुराना जो रियलमी था उसके साथ कंपेयर किया। तो गाइज बास इसकी नो डाउट अच्छी है, 12.6 mm के ड्राइवर हैं तो बास इसकी बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू रियलमी। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है बट दोनों एकदम बढ़िया हैं। और जो इसका जो मेन जो लगा मुझे वो इसके 3 माइक जो हैं वन प्लस वाले के, ये माइक देखो अब गाइज इसमें 1, 2, 3 पता नहीं कहाँ कहाँ इसमें छेद करे हुए हैं, तो ये माइक ही होंगे गाइज। एक इसके देखो ईयर बड के नीचे भी एक छेद किया हुआ है, ये देखो एक छोटा सा, तो गाइज यही माइक होगा क्योंकि इसमें फिर 3-3 माइक दिए हुए हैं इसमें। और जो मेरा जो रिव्यू रहा इसको मैंने गाने गुने अपन मस्त सुने और इसकी कॉलिंग करके देखी है, तो कॉलिंग तो नो डाउट इसकी बढ़िया है। बट जो मुझे इसमें थोड़ा सा जो फर्क लगा जो ANC जो था इसमें, ANC जो लिखा है, तो गाइज मुझे रियलमी का ये एंटी नॉइज कैंसलेशन वाला ज्यादा फीचर बेहतर लगा, इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन जो है, जबकि इसमें अपने को कम है, इसमें 30 dB है और इसमें वन प्लस वाले में 45 dB है। बट फिर भी मुझे जो रियलमी का ये बढ़िया लगा हेडफोन। और गाइज रियलमी का आपको सस्ता ही पड़ता है 1700 रुपये का और ये आपको 2300 का पड़ेगा, तो नो डाउट जो अगर वन प्लस वाला भी बढ़िया है हेडफोन, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम जबरदस्त है ये भी। जिसके पास वन प्लस का फ़ोन है उसके साथ ये ज़्यादा और मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, और देखने में भी दोनों मोस्टली सेम ही है। ये थोड़ा डुअल कलर में है वन प्लस रियलमी वाला, और ये थोड़ा सिंगल में है। और इसकी बास अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी, ऐसी थोड़ी वो नहीं है कि कानों में लगती हो या कुछ है,
अच्छी बात है इसकी भी। और थोड़ा सा मुझे बस वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का इसका लगा, थोड़ा मुझे उसका फील नहीं हुआ इतना जितना रियलमी में फील हुआ था। और रियलमी में आपके पास मेरे ख्याल तीन तरह के आप वॉइसेस सुन सकते हैं, इसमें आपके पास सिंगल ही है, कोई ऐसा ऐप के थ्रू आप नहीं कर सकते। रियलमी में गेम मोड भी है बट इसमें है नहीं, आई थिंक इसमें 60 ms आपको गेमिंग मोड में मिलता है, बट ऐसा कहीं इसमें लिखा नहीं है कि गेम मोड के साथ ही चलेगा। गेमिंग मोड के लिए वैसे भी मैं आपको वायर्ड ही कहता हूँ कि गेम मोड के लिए, तो ये वायरलेस लेना कोई मजेदार नहीं है, बट ये नो डाउट अच्छे हैं, आप इसको ले सकते हैं, मेरी तरफ से ओके। अगर किसी का बजट है 2200-2300 रुपये का तो आप ये वन प्लस का लीजिए, अगर नहीं बजट है तो रियल में भी नो डाउट बहुत बढ़िया। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द डे लाइफ। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वन प्लस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।